जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 3 लेकर के आए हुए हैं। सबको राम राम, गुड इवनिंग। और ये निकम्मे जो आते ही कंप्लेन दर्ज करने लगे, कोई इतनी गोली मारी जाएगी, तुम्हारे वाले में प्रॉब्लम है तो हमारी गलती है। वीडियो सारी अपलोड नहीं हुई है क्या? आपने 1 से 5 नंबर तक वीडियो देख लिया? 1 से 5 तक देख लिया तो बताइए। उसमें लिखा आ रहा है कमिंग सून, कमिंग सून, तो बफरिंग कहाँ से हो गया? राम राम जी, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे, आप सबकी स्टडी बेहतर चल रही होगी और आप किसी प्रकार के तनाव या समस्या को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे होंगे। ये मैं प्रिंस तुझे ब्लॉक मारूंगा, ये जो तू बार बार कॉपी पेस्ट मार रहा है, देख लेना। फिर हमने नंबर दिया हुआ है आपको उस ऐप पर, उस पर आप कॉल किया करिए। चले, 2 नंबर वीडियो अब चलने लगा है पिछले आधे घंटे से। अब तक 2 आधे घंटे तक नहीं चला था, अब चलने लगा है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? पहले हमारा डेली का जैसा सीरीज है, पहले हम आज का करंट डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को शुरू करेंगे। और ये जो निकम्मे, ये जो बीच बीच में डाउट और ये फालतू क्वेश्चन पूछते हैं, लास्ट में पूछा करो। हमने लास्ट में इसके लिए टाइम दिया हुआ है हर सेशन के बाद। द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सोली सबरजीत पास्ड अवे इन अप्रैल 30। व्हेन वाज द अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अटॉर्नी जनरल सोली सबरजीत की अभी मृत्यु हो गई है कल के डेट में, तो उन्हें कब अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था? चलिए, हमने आपको सिखाया था कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के वकील होते हैं, हाईएस्ट लॉ मेंबर होते हैं, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ सिस्टम। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 के तहत बनाए जाते हैं। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल जो थे एमसी सीतलवाड़, मोतीलाल, चमनलाल, छिमनलाल, सीतलवाड़। अब तक सबसे लंबे समय तक कार्य करने का रिकॉर्ड है इनके पास, जब तक नेहरू जी रहे तब तक ये बने ही रहे। और अभी एनके गोपालन है, के वेणुगोपालन, सॉरी। तो प्रश्न है, सोली सबरजीत जो अटॉर्नी जनरल थे उनको कब अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था? बताइए आंसर क्या होगा। तो ये 1989 में पहली बार बनाए गए थे और फिर दूसरी बार 1998 से 2004 के लिए बनाए गए थे। तो ये 2 बार रहे हैं अटॉर्नी जनरल के रूप में। चल, वेयर विल आईसीएसई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 2021 टेक प्लेस? आईसीएसई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2021 में कहाँ आयोजित होना है? तो आप जानते हैं कि 2021 का फाइनल जून 18 से जून 23 तक टारगेट किया गया है। अब मुझे तो लग नहीं रहा कि ये हो पाएगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि तब तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, चीजें हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी, तब ये होगा तो बेहतर है।
चले। कहां पे होना है साथियों, जल्दी बताइए। सभी लोग जो गलत जवाब दे रहे हैं, हेम्पशायर बॉल में होना है, साउथहैम्पटन में। चल हु लॉन्च अ स्पेशल व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर फॉर द प्रेग्नेंट लेडीज, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए किसने एक व्हाट्सएप नंबर जनरेट किया है किसी प्रकार की मेडिकल सहायता को प्राप्त करने के लिए। प्रेग्नेंट लेडीज इसका यूज कर सकती हैं, जिसका नंबर इन्होंने दिया है 9354954224। तो किसने शुरू किया है, तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन्होंने शुरू किया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। राज्यों के लिए बायोटेक रिवाइज्ड कोवैक्सीन प्राइस फॉर स्टेट, कोवैक्सीन का अभी राज्यों के लिए प्राइस क्या है, अभी आपने सुना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को किस रेट पे मिलेगा 150 पर, और स्टेट गवर्नमेंट को अब किस रेट पे मिलेगा 600 की जगह पर 400 पर। चल ये सब ड्रामा है, वैक्सीन कोई प्राइवेट कंपनी क्यों बना रही है, सरकार क्यों नहीं बना रही है, क्या सरकार के पास इतने रिसर्च सेंटर्स जो हैं किसी काम के नहीं है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, क्यों पैसा लगेगा। लेकिन चलो 400-250 रुपए देने के बाद भी जिंदगी बच जाए तो हम सब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टाइम पे तो दे दो यार। IRDA हैज डायरेक्टेड इंश्योरेंस टू सेटल कोविड रिलेटेड कैशलेस क्लेम विद इन हाउ मच टाइम, IRDA ने बीमाकर्ताओं को कोविड से संबंधित कैशलेस दवाओं को कितने समय के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। देखो कितना बेहतरीन डिसीजन है। चल आज कर दिया होगा, पहले 400 किया था, 400 से अब 300 कर दिया। 300 ऑप्शन में है, 300 ऑप्शन में नहीं है सर, यदि ऑप्शन में होगा तब तो ले लेंगे 300। हाँ है, चलो ठीक है। हाँ बताए कितने टाइम के भीतर सुलझाने का प्रयास कर दिया गया, कितने टाइम के भीतर आपको कोविड से रिलेटेड कैशलेस जो पेमेंट है वो करना होगा, तो 1 घंटे के अंदर, 60 मिनट के अंदर आपको निपटाना करना होगा। ये एक अच्छा डिसीजन, बेहतरीन डिसीजन है। इंडियन स्टेट हैज परमिटेड विच स्टेट टू ड्रोन्स फॉर एक्सपेरिमेंटल डिलीवरी ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, भारत के किस राज्य ने कोविड-19 के टीकों को प्रायोगिक डिलीवरी के लिए ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है, बताओ। ऐसा अच्छा डिसीजन कौन लेगा, ऐसा अच्छा डिसीजन कौन लेगा ये करने का बेहतरीन डिसीजन, साउथ के राज्य करेंगे, दैट इज तेलंगाना। चलो विच कंट्री रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन साउथ एशिया टू इंट्रोड्यूस ई पासपोर्ट, ई पासपोर्ट बनाने वाला साउथ एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है, बताइए। जल्दी तो कौन सा साथियों, बांग्लादेश, ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, नेशनल डे ऑफ एजुकेशन कब मनाते हैं, यदि ये पता हो तो आप इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन बता सकते हैं, बताइए। टीचर्स डे तो हमने बता रखा है कि 5 सितंबर को मनाते हैं, अब हमें बताना आपको इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, बताएं साथियों, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये अपन लोग कब मनाते हैं, जनवरी 24 को। किसने डिसाइड किया है, यूएनओ के
किस संस्था ने, तो हमने बताया था कि इस तरीके किसी भी डे का अनाउंसमेंट होगा तो यूएन का जनरल असेंबली अनाउंस करेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। चल ये साइंटिफिक नाम दिया गया है, आपने बताना है नेशनल एनिमल हमारा क्या है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, नेशनल बर्ड हमारा क्या है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, नेशनल फ्रूट हमारा क्या है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। तो नेशनल एनिमल आप जानते हैं टाइगर है हमारा, बंगाल टाइगर। नेशनल एनिमल आप जानते हैं पिकॉक है, और नेशनल फ्रूट हमारा आप जान रहे हैं मैंगो है। तो इनका साइंटिफिक नाम बताना है, बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी तो ऑल और राइट। तो हमने आपसे पूछा कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो बताओ तो आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन है, उनके बर्थडे पे मनाया जाता है। अब गेस कर लो, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो तो ऑल आर राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इन धौलावीरा साइट्स ऑफ इंडस वैली, इट्स सिटीज वेयर ओरिजिनली डिवाइडेड इन मल्टीपल पार्ट्स, इसे कई हिस्सों में बांटा गया था। इट्स सिटी वेयर अनविलनी डेवलप डिवाइडेड, इसे असमान रूप से बांटा गया था। इट्स सिटी वेयर डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट, इसे तीन हिस्सों में बांटा गया था। नन ऑफ दीज। चले तो हमने बताया था कि एकमात्र शहर जो तीन हिस्सों में बटा था, जिसके वहां स्टेडियम पाया गया, घरों में कुएं पाए गए, तो कौन सा था, धौलावीरा। बाकी सारे शहर कितने हिस्सों में बटे हुए थे, दो हिस्सों में, अपर टाउन और लोअर टाउन, जबकि ये मिडिल टाउन के रूप में भी बटा हुआ था। चल द टर्म गोल्डन रिवोल्यूशन इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, बताइए दोस्तों। गोल्डन रिवोल्यूशन वर्ड किससे रिलेटेड है, गोल्डन रिवोल्यूशन शब्द किससे रिलेटेड है? तो गोल्डन रिवोल्यूशन किससे साथी होता है, याद करो हमने कहा था हॉर्टिकल्चर, एप्पल या ग्रेप्स। तो इसमें क्या आ रहा है ऑप्शन में, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, बागवानी से संबंधित है। चल हमने एक से पांच तक का वीडियो आपके स्टैटिक जीके के बैच में डाल दिया था, जिसमें दो नंबर वीडियो में एग्जैक्टली प्रॉब्लम थी, वो भी अब सॉल्व कर दी है। हमने एक से दस नंबर तक का, एक से डेढ़ दस तक का आपको रटने वाला टॉपिक अपलोड कर दिया है। हमने एक से बीस तक के वीडियो क्लास का असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, पीडीएफ वाला भी और लगभग पीपीटी वाला भी। और अब तक हमने 20 क्लास पढ़ाई हुई है, जिसमें से हमने 17 क्लास अपलोड कर दी है। अगले कल हम 18, 19, 20 अपलोड कर देंगे, और जरूरत पड़े तो 21 भी, और फिर आपका एक एक दिन करके अपलोड करते चले जाएंगे। चल हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था वो हमने निभा दिया है, अब आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे तरीके से उसको मेहनत करते हैं, कितने अच्छे तरीके से रटते हैं। हमने प्रॉमिस किया था कि हम आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा प्रोडक्ट देंगे, लेकिन अब आप कितने अच्छे से उसको कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। हमने आपसे कहा था कि हम आपको कंटेंट, हम आपको क्वेश्चन, हम आपको वो देंगे जो जनरली एग्जाम में आते हैं। हाँ, हम आपको एंटरटेनमेंट नहीं करा पाएंगे, हम आपको थोड़ा सा स्लो लर्नर के रूप में, स्लो टीचर के रूप में पढ़ाएंगे जरूर, लेकिन हम सारा का सारा आपको अवेलेबल करा चुके हैं। आपको मजा आएगा कि यस, लेकिन शर्त यह है कि आप पढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि जी हमें यूएन हमने कई बार पढ़ा था लेकिन हमें याद नहीं हो पा रहा था, अब हमें याद हो गया, हमने ओलंपिक पढ़े थे और लेकिन हमें दिक्कत आ रही थी। चल साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों,
रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड कब मिला था? अब याद करो, उन्होंने 1919 में नाइटहुड को वापस कर दिया था, किस घटना के वजह से? याद करो, तो हमने बताया था जलियांवाला बाग घटनाक्रम की वजह से उन्होंने वापस कर दिया था। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नाइटहुड मिला है। नाइटहुड वॉज द एपेक्स अवार्ड ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, सर्वोच्च सम्मान। गांधी जी को मिला, बहुत लोगों को मिला, लेकिन ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जलियांवाला बाग के कारण नाराज होकर, दुखी होकर इसको वापस कर दिया था। तो इनको 1915 में मिला था, इनको पोएट के लिए जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो अब इनको लगा कि अरे तो बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, इसको नाइटहुड की उपाधि दे देनी चाहिए। तो दैट इज 1915। चले, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्व के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों के नेशनल एंथम लिखे हैं। चले, आप लोगों से हमने कसम लिया था कि आप लोग डेली हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, लेकिन आप में से कोई कर नहीं रहा है ना। देख लो, हमने टारगेट रखा था 500 का, वो 500 का टारगेट पूरा होने लगा है, लेकिन अब हमारा टारगेट 1000 का है इस महीने के लास्ट तक, कि वीडियो खत्म होते होते 1000 होना चाहिए। मई, आज 1 मई है, यह इस महीने का हमारा टारगेट रहेगा। आप हमसे जो टारगेट बोलेंगे वो हम कर देंगे। हम आपको जल्दी इकोनॉमिक्स का सबसे सस्ता रिकॉर्डेड बैच देने जा रहे हैं। हम आपको पॉलिटी का दे देंगे और सब पॉसिबल हुआ तो हम इस बार फिजिक्स का भी कवर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट सी बाय साइज? निम्नलिखित में से कौन सा आकार के हिसाब से सबसे बड़ा सागर है? चल, कोर्स कैसे लें? कोर्स आप श्योर 60 गुरुकुल ऐप डाउनलोड करके वहां से परचेज कर सकते हैं। बताइए सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो कौन सा साथियों? साउथ चाइना सी, सबसे डिस्प्यूटेड सी में से एक सी, साउथ चाइना सी। यही पूछ देता है सबसे बड़ा गल्फ कौन सा है, तो मैक्सिको। चल, ये हमारा साउथ चाइना सी। हमेशा नेपाल, चाइना के साथ, जापान के साथ, फिलीपींस के साथ, सबके साथ चाइना प्रॉब्लम करता रहता है। चल, Which of the following area Clark R. Robin awards are given? Yes, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, नया अवार्ड है, बिल्कुल अलग है, तो ये आप करने की स्थिति में होंगे। हमने कहा था कि स्टैटिक में हम आपको ऐसे ऐसे मैटर भी अवेलेबल कराएंगे। लाइक करने से नहीं होगा ना भाई, शेयर भी करना पड़ता है। बताइए तो कौन सा साथियों? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखो मैटर ऐसा, कल परसों में डालूंगा एक टेलीग्राम पे एक चैप्टर, फिर आप मुझे सजेशन देना। वोकैबुलरी की बुक आउट ऑफ स्टॉक है, जीएस की बुक आउट ऑफ स्टॉक है। अब लॉकडाउन खत्म होगा, प्रिंटिंग प्रेस शुरू होंगे तभी छपेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाने वाला अवार्ड। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज लोकेटेड एट, सोच के बताओ कहां पे होगा बायोडाइवर्सिटी? खैर इसमें तो क्या सोचोगे, लेकिन याद होना चाहिए आपको, बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा भारत में वेस्टर्न घाट पे है, तो उसी के आसपास कहीं होगा। तो कहां पे साथियों? दैट इज चेन्नई। चल, टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके के क्वेश्चन स्टैटिक जीके के बैच में करवा रहे हैं, इसमें मिक्स करवाएंगे। टॉपिक वाइज कराते हैं तो आपको भी इजी होता है और करना भी थोड़ा बोरिंग होता है, तो इसलिए अलग अलग मिक्स रहेगा तो ठीक रहेगा। पता नहीं कब में तेरे ही प्रॉब्लम हो रही है, तेरा पैसा वापस भेजेंगे। किसी और को तो प्रॉब्लम हुई नहीं, जितने तेरे एक ही चीज को तू कॉपी पेस्ट कर रहा है, तू अपोजिशन तो नहीं है। द एफर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वेयर सक्सेसफुली पासिंग द बॉम्बे प्राइमरी एजुकेशन एक्ट? किस नेता के प्रयासों से बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पास किया गया था? बताइए। सुधार जाने का मैं ये कॉपी पेस्ट करने से देखो तो अब मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि देखो महाराष्ट्र से कौन है, इसमें सारे ही हैं। दैट वाज द विट्ठल भाई पटेल, ये आपको लिख लेना चाहिए,
विठल भाई पटेल के प्रयासों से। चल देखो, गलत करते हैं तो एक दूसरे को कॉपी पेस्ट करते रहते हैं ना, गलत है तब भी सही है, यही प्रॉब्लम है यूट्यूब में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज ऑब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर प्रेजेंटेड इन एटमोस्फियर। आप जानते हैं कि हमने बताया था कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। पहला ओजोन होल 1996 में देखने को मिला था। ओजोन लेयर की मोटाई हम डब्सन यूनिट से मेजर करते हैं, और ओजोन होल को सबसे ज्यादा नुकसान सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से होता है, जो कहाँ से रिलीज होती है, ठंडे चीजों से, जैसे एसी फ्रिज जैसे चीजों से। और अब आपने बताना है कि ओजोन लेयर नहीं होता तो हमें क्या हो जाता, तो हम कहते हैं स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर में होने का खतरा किससे? अल्ट्रावायलेट रेड, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों में अल्ट्रावायलेट रेड्स। व्हाट द कॉजेज ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों के चमकने का, ट्विंकलिंग का क्या कारण है, बताइए साथियों, तारों के चमकने का क्या कारण है? अब रिफ्रैक्शन समझते होंगे तो कर लेंगे, अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ द स्टार लाइट, तारों के लाइट का रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से। चलें, सबका सही जवाब है, एक दो लोग गलत जवाब दे रहे हैं। सर इफ एनीवन स्ट्रेटेजी के कोर्स, अच्छा ये बताओ निकम्मो, थोड़ा सा ध्यान समझना इस चीज को। मान लो मैं कोई कोर्स पढ़ाऊं, सारा स्टडी मटेरियल दूं, और तुम भी अपना खूब मेहनत करो, टाइम दो, उसके बावजूद यदि कोई दूसरा बुक पढ़ना पड़ जाए, दूसरा कोई कोर्स लेना पड़ जाए, तो कोई फायदा है इस बात का मेरे पढ़ाने का, तुम्हारे पढ़ने का? मैंने तुमसे शुरू में कहा था और मैंने कहना छोड़ दिया कि एक टीचर एक बुक एक क्लास, यदि इस पॉलिसी पर चलोगे तो लाइफ में सफल हो जाओगे, और नहीं तो सब टीचर की क्लास सस्ती है, सब कोई अवेलेबल है, सबकी खरीदते रहो, और लास्ट में निकम्मे कंफ्यूज हो जाओ और ये बताओ कि वो सर तो ये पढ़ा रहे थे, वो सर तो ये पढ़ा रहे थे, ये सर अच्छे हैं, ये सर अच्छे नहीं है, ये इनका ऐप अच्छा नहीं है, और यही करते रह जाना। लाइफ में सफल होने की पहली शर्त है विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक श्रद्धा। ये महात्मा बुद्ध ने भी कहा, ये जैन ने भी कहा, और मैं भी कह रहा हूं। तो आस्था रखिए अपने गुरुजनों पर, आस्था रखिए अपने नोट्स पर, आस्था रखिए अपनी किताबों पर। मैं पागल हूं, मैं पूरा दिन लग जाता है स्ट्रेटेजी के का बुक तैयार करने में, ये गूगल, वो इंसाइक्लोपीडिया, ये बुक, नेशनल फूड, जो चीज मुझे नहीं पता था वो मैं पढ़ रहा हूं। नेपाल के लोगों का नेशनल फूड क्या था ये मैंने पढ़ाया नहीं था, लेकिन जब कल मेरी इच्छा हुई बुक जब लिखने लगे तो उसको मिला के देखते हैं तो पता चावल दाल खाते हैं ये लोग, बांग्लादेश के लोग क्या खाते हैं तो सिलसा मछली खाते हैं। तो ये इसी के लिए किया गया प्रयास है कि आप बाकी सब्जेक्ट अच्छा करें, कुछ सब्जेक्ट मेरे ही से छोड़ दें। आप दिक्कत क्या है ना कि आपको ये चीजें सस्ती मिल रही है, 99, 100, तो आपको लग रहा है 100 में कैसे हो जाएगा सब। कल परसों किसी का मैसेज भी आया कि सर पैसे थोड़े ज्यादा ले लो लेकिन सब पढ़ाना। मैं आने नहीं, कब मैं दे दे जा देती हूँ, दो तीन बार खरीद ले। साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? 5G पे पीडीएफ का मैटर का थोड़ा इश्यू चल रहा है, अगले 2-4-10 दिन में हम उस पर सॉल्व कर देंगे। सियोर 60 ऐप लॉन्च करने का पर्पज ही मेरा यही था कि उस पर जो टेक्निकली प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं उसको हम सियोर 60 पे ना करें, 5G पे ऐप सस्ता देने का पर्पज यही था कि जो बच्चे 5G पे 60 पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो आ जाएंगे 60 पे, इसीलिए नॉमिनल 100 रुपये रखा था। चल मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रीएम्बल, तो कौन सा? डिग्निटी वर्ड नहीं है, गरिमा, क्यों, गरिमा तो कहीं और है तो इसलिए प्रीएम्बल में नहीं है। चलिए, द इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम,
ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, इमरजेंसी पार्ट 20 में है, बार बार गलत कर देते हैं, भाग 18 में है और आर्टिकल 352 से 360 है, जर्मनी से लिया गया है। जब नेशनल इमरजेंसी पूछे, फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा जाए तो आपने यूएसए बोलना है। भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुका है, 1962, 1971 और 1975। चले सर जी, 75 डेज की फी भी लेस कर सकते हो क्या? तू किसी एक बच्चे से पूछ ले, जिस बच्चे से, जिसने परचेज किया है, कि क्या जितना मैं मैटर देता हूं वो ज्यादा है क्या? तुम लोग मेरे बच्चों समझते ही नहीं हो इसमें हमें कितना मेहनत करना पड़ता है। द फर्स्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वॉज मूव्ड इन द लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है जब सरकार जो सरकार के खिलाफ अपोजिशन पार्टी लेके आती है कि अब इस पार्टी के पास सरकार चलाने का बहुमत नहीं है और हम चाहते हैं कि एक बार इस पर चेक किया जाए, दैट इज नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद साथियों, दोस्तों, भाई और बहनों, सरकार गिर जाती है। तो पहली बार नेहरू जी के खिलाफ आया था जब चाइना ने हम पर हमला कर दिया और हम हमारे सैनिकों की सुरक्षा नहीं कर पाए, तो अपोजिशन ने कहा कि इनको कोई अधिकार नहीं है सरकार चलाने का। चल 1963, 1963 में चले। जो 499 में कोर्स दे रहा हूं ना, ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि गुरुकुल ऑफ है। बेसिकली ये था तो 499 का लास्ट ईयर, इसको हम लोग कर दिए थे 1999 में। फिर एक दिन मुझे बैठे बैठे लगा कि यार उस बच्चे की क्या गलती है जो गरीब है, और इसमें हम सब मैटर भी नहीं देते थे गुरुकुल वाला। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, बाहर के बच्चे भी तो मेरे अपने ही बच्चे हैं, सब कोई गुरुकुल नहीं आ सकते। तो जो नहीं आ सकते उनको भी यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी हमें वो सब चीज़ दूं जो मैं गुरुकुल के बच्चों को देता हूँ। आपको जो लोग परचेज किए हैं वो समझ पा रहे होंगे कि गुरुकुल में रिजल्ट क्यों आता है। वो आप लोग का तो हम पेपर डिस्कशन नहीं करा पाते हैं, आप लोग का डाउट हम प्रॉपर नहीं ले पाते हैं, प्रोफेशनल मजबूरी है। हालांकि मेरे पास अभी टाइम है कि मैं अपने डाउट टीचर से आपका वीडियो सेशन चलवाऊं, मेरे पास टाइम है कि मैं अपने डाउट टीचर से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्लास करवाऊं, यदि आप लोग सहमति देंगे तो। इस पर भी मैं काम कर सकता हूँ, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीएस का। बहुत सारे लड़के हैं जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, तो उनको मैं कह सकता हूँ कराने के लिए। इकोनॉमिक्स का बैच ला रहा हूँ जल्दी, अगले 4-5 दिन में। साथियों, दोस्तों, भाई और बहनों, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट किसका साइंटिफिक नेम है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट किसका साइंटिफिक नेम है? किसके खिलाफ था? ये नेहरू जी के खिलाफ था। बताइए किसका साइंटिफिक नेम है? जेबी कृपलानी लेके आए थे, यहां देख लो। यदि ये भी क्वेश्चन पूछ ले, और किसके खिलाफ? नेहरू जी के खिलाफ। बताइए किसका साइंटिफिक नेम है? बैच का फीस क्यों बढ़ा दिया? अरे निकम्मे, 99 से 199 कर दिया, क्या बढ़ा दिया? उसको तो और बढ़ाऊंगा मैं, अभी 349 करूंगा। जब मैं पिछले 4 दिन से चीख चीख के कह रहा था कि ले लो सस्ता है, तो उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे। और 99 और 199 तू खरीद ले यार, ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर, मैं फ्री में कर दूंगा। ऐसे इमोशनल मत करो, तुमको तो कहना चाहिए सर 10 रुपये और ज्यादा ले लो, लेकिन वो कराओ जो एग्जाम में आए, वो कराओ जिससे हम परीक्षा पास करें। हम अच्छे बच्चों के टीचर हैं, हम कितना बोरिंग करके कराते हैं। दूसरा टीचर होता तो इसमें माहौल बनाता है, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, ये फैक्ट,
कर्नाटक का गवर्नर ये, कर्नाटक का सीएम ये, कर्नाटक की राजधानी ये, आता नहीं है वो सब। मित्रों, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताइए जल्दी से, किस राज्य में साथियों? कर्नाटक में। सर समाज बहुत पोलराइज हो नहीं हो गया है, कोई मरता है उससे भी समाज बढ़ जाता है, अभी मत करना 399। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, आप 199 में ले लो यार, मैं तो बस एक बहाना है वो फीस लेने का, तुम लोग तो कह दो तो मैं उसको 900 रुपए में कर दूं, क्योंकि 900 से कम नहीं हो सकता। Who among the following was the author of आनंद मठ? आनंद मठ के लेखक कौन है? बताइए, आनंद मठ सबसे पहली पुस्तक जिसमें सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया। सन्यासी विद्रोह में क्या है, अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह भारत में है तो कोई सन्यासी विद्रोह है। आनंद मठ ही वो बुक है जिसमें हमने वंदे मातरम लिया है। आनंद मठ 1882 में पब्लिश किया गया था। आनंद मठ पर एक मूवी भी बनाई गई थी 1952 पर। मेरा लकी नंबर पता नहीं कौन सा है, मेरा लकी नंबर आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैव 838 टेम्पल्स ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन लोकेटेड इन द वन माउंटेन? हम आपको क्लू देते हैं, ये 838 टेम्पल है किसके लिए साथियों? जैन धर्म के लिए। अब आप अब पकड़ पाओ तो पकड़ लो, जैन धर्म से रिलेटेड है। पालिताना में है। नहीं, एक मिनट, है तो पालिताना में लेकिन जैन नहीं, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। यदि आप हमारे टेस्ट में 75 आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, बहुत कमजोर है आप, जी जान लगाना पड़ेगा। हमारे टेस्ट में आपके 100-110 आने चाहिए कम से कम। द फॉलोइंग प्लेसेस रिप्रेजेंट द कंटेम्प्रेरी फोर धाम ऑफ हिंदूज, याद करो, हमने फोर धाम आपको चारों धाम पढ़ा रखा है। वो माउंट आबू वाला दूसरा था, वो पालिताना वाला दूसरा है, मैं भी वही दिमाग में मान के उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा था। बताइए साथियों, याद करिए, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी और द्वारका, चारों पढ़ा रखा हमने, याद करिए, यही था, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका और जगन्नाथ। नहीं पता तो लिख लेना है। बद्रीनाथ किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को, भगवान विष्णु को। ऐसा माना जाता है कि श्री राम जी ने इसकी स्थापना की थी। यहां पर बन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, मिश्री जैसे मीठे फलों को चढ़ाया जाता है। अप्रैल के आखिरी या मई के शुरुआती दिनों में इसके द्वार अब खोल दिए जाएंगे और नवंबर तक ये बंद रहता है, 6 महीने का।
सब 500 का क्वेश्चन नहीं है, 500 में यहाँ से कुछ क्वेश्चन मिलेगा, 500 में तो सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन है। इसी तरीके से साथियों, रामेश्वरम धाम किसको समर्पित है? भगवान शिव को, लॉर्ड शिवा। जगन्नाथ टेम्पल किसको समर्पित है दोस्तों? जगन्नाथ टेम्पल किसको? लॉर्ड कृष्णा। द्वारका किसको? लॉर्ड कृष्णा। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सब हमने पढ़ा रखा है आपको टेम्पल वाले टॉपिक में। चल चार धाम, Which of the following mirror is commonly used as a rear view? अब आपका जो ड्राइवर होता है वो रियर व्यू का यूज करता है ताकि दूर से चीजों को देख पाए, तो कौन सा है? सर भूलते क्यों हैं? भूलना ईश्वर ने सबसे अच्छी चीज दी है। बोल रहे हैं बी भी तो होता है चार धाम, बी कौन सा था ये देख लेंगे बस। बी में क्या था भाई? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री यमुनोत्री कब से होने लगा मेरे बच्चे? माइंड में मेमोरी परमानेंट स्टोर हो जाता तो हम और तुम पागलों के नहीं घूम रहे होते। कितनी जीवन में दुखद घटनाएं होती हैं, हम किसी को खो देते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। ईश्वर ने जो सबसे अच्छी चीज दी है भूलना, और भूलना क्या होता है? जरूरी होता है। तो कौन सा साथियों? कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। चल बड़े को छोटा करके दिखाता है। How has been the annual growth rate of Indian population between 2001 to 2021? Sir जी, जो स्टडी जीके के बैच लिए क्या उनको YouTube की क्लास फॉलो करनी चाहिए? YouTube की क्लास स्टडी जीके वाले बंद हो चुकी है मेरे बच्चे। आज आज और चलेगी, मंडे से बंद हो जाएगी। What has been the annual growth rate of Indian पॉपुलेशन बिटवीन 2001 टू 2011? 2001 से 11 के बीच कितनी जनसंख्या वृद्धि रही? तो कितने साथियों? 10 सालों में हम लोगों ने लगभग 16.4 के आसपास ग्रोथ किया, तो एनुअल कितना हो जाएगा? 1.64। चल हमारी जनसंख्या वृद्धि लगातार चलती रही और यही रफ्तार रहा तो हमने कहा था कि 2028 में हम अपन लोग चाइना को पीछे छोड़ देंगे। मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? मुद्रा राक्षस से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है साथियों? तो मुद्रा राक्षस से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य साम्राज्य की, मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। किसने लिखा है मुद्रा राक्षस बताइए? तो विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। संस्कृत साहित्य। व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एनएसएस? एनएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है लेकिन ये पक्का गलत करोगे। नेशनल स्टूडेंट सोसाइटी, नेशनल सर्विस स्टूडेंट, नेशनल सोशल सर्विस, बताइए। नेशनल सर्विस स्कीम। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? यदि आपको पता हो देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार कहां बनी थी, देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई थी केरल में। तो उस केरल की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के सीएम कौन थे? तो कौन थे साथियों?
ईएमएस नमुंदरी पाद किस पार्टी की सरकार थी? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी, सीपीआई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इनेबल टू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ व्हाइट चॉक? हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता था कि हम नहाने से भीग क्यों जाते हैं, नहीं? या कुछ कलर, कुछ खास कलर पे क्यों चलते हैं, या पेन से कॉपी पर क्यों लिखा जाता है, या चौक से बोर्ड पर क्यों लिखा जाता है? तो आप जानते हैं कि दो फोर्स कार्य करते हैं, एक होते हैं कोहेसिव ससंजक और एक होते हैं एडहेसिव। एडहेसिव की हिंदी में क्या दिया गया है? असंजक बल। कोई बात नहीं, जब सेम मॉलिक्यूल पे काम करे, जैसे मान लो ये पेन है, तो इनके आपस में पार्टिकुलर जो फोर्स कार्य करेंगे दैट इज कोहेसिव, कोरिलेटेड, ऐसे समझो। और ये हमारा बोर्ड हो गया, तो बोर्ड के मॉलिक्यूल है, उनके बीच में आपस में कौन सा फोर्स कार्य कर रहे हैं? कोहेसिव, कोहेसिव। लेकिन बोर्ड और पेन के बीच में जो फोर्स कार्य करेगा एडहेसिव। यदि साथियों एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा कोहेसिव फोर्स से, तब वो पार्टिकुलर घटना होगी, जैसे हम नहाने से भीग जाएंगे। अब ये कोई ऐसे सामान्य आदमी से पूछो तो हंसेगा, कहेगा क्या पागल वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ऐसा तब होता है जब एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होता है, असंजक बल ससंजक बल से ज्यादा हो। मौका मिलेगा फिजिक्स में तो इसको हम डिटेल कभी डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशनर वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती हैं, आदमी रोता है तो आंसू क्यों निकलते हैं। हु हैज कन्विंस्ड कॉन्सेप्ट द फर्स्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर? किसने सबसे पहले स्वचालित डिजिटल कंप्यूटर की का निर्माण किया था? किसने सबसे पहले स्वचालित कंप्यूटर? तो आप जानते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर अपन लोग किसको कहते हैं? चार्ल्स बेबेज। हु स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस इन इंडिया? अब देखो भारत में लोकल गवर्नमेंट की शुरुआत कौन लेकर के आया? भारत में पहली बार सेंसस कौन लेकर के आया? भारत में किस पहली बार भारतीयों ने मार दिया? बताइए इन सभी चीजों का जवाब क्या होगा साथियों? दैट इज मेओ, है ना? हालांकि बाद में इनके सारे सपनों को साकार किसने किया? रिपन ने। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन यदि फाइनेंस में पूछा जाए तो मेओ ने किया है। मेओ लॉर्ड नाथ सर वाज द फोर्थ वायसराय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1969 टू 1872। ही स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स, है ना? बहुत सारी चीजें। मेयो कॉलेज भी इनके सम्मान में अजमेर में खोला गया। व्हेन वाज द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज वाज एस्टेब्लिश्ड? अल्पसंख्यक समुदाय की आयोग की स्थापना कब की गई थी? माइनॉरिटीज कमीशन की स्थापना कब की गई बताइए? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए कमीशन कब एस्टेब्लिश किया गया? माइनॉरिटीज आप समझते होंगे, भारत में माइनॉरिटीज को दो रूप में डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 29 एंड 30 माइनॉरिटी से रिलेटेड है। माइनॉरिटीज हमने कहा गया है, सेंसस भी पहली बार इसी ने कराया था तो बोला ही था मैंने आपको। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है सर? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिविजन ऑफ पावर। अब हमने कहा फाइनेंस, तो जैसे मान लो पापा जी पैसे कमा के लाए तो एक तरीका को मम्मी ही रखे, तो वो सेंट्रलाइज हो गया। अब मम्मी ने क्या किया कि नहीं बांट दिया कि लो भाई 500 रुपये तुम अपने हिसाब से खर्च कर लेना, जब जरूरत हो 500 तुम ले लेना, 500 तुम ले लेना, और इस 500 रुपये में तुमको ये घर का दाल लेके आना है, तुमको इस 500 रुपये में घर के लिए चॉकलेट लेके आनी है, तुमको इस 500 रुपये में जब पानी खत्म हो पानी लेके आना है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहाँ के पंचायतों को लोकल को ये अधिकार दे दिया कि लो ये पैसे और ये जो रोड और इस तरीके के जो खर्चे होंगे वो तुम कर लेना, दैट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। चल तो
तो हमने कहा था कि कौन माइनॉरिटीज वे होते हैं जिनकी संख्या कम होती है. संख्या कम किस बेस पे होगी? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के बेस पर, और ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, धर्म भाषा के आधार पर. तो धर्म के आधार पर अभी 6 रिलीजन को माइनॉरिटीज का दर्जा दिया गया. लैंग्वेज के आधार पर अभी किसी को माइनॉरिटीज का दर्जा नेशनल लेवल पर नहीं दिया गया. लेकिन एग्जाम में आया कि माइनॉरिटीज किस आधार पर डिफाइन किए गए, तो माइनॉरिटीज 2 बेसिस पर डिफाइन किए गए, रिलीजन और लैंग्वेज बोथ. लेकिन रिलीजन ही अगर दोनों में इसको एक अटेम्प्ट करना हो तो रिलीजन अटेम्प्ट करना है. तो इसका साथियों क्या आंसर हो जाएगा? 1992. Who among the following is called the bard of Avon? सर्वश्रेष्ठ कवि किसे कहा जाएगा? तम्बीवाल सर को कोरोना हुआ है क्या सर? अब ये तो हम नहीं कहेंगे कोरोना हुआ, लेकिन तम्बीवाल सर अभी बीमार चल रहे हैं. स्टैटिक जीके की क्लास ऑफ होगी तो फिर कौन सी स्टार्ट होगी? आप लोग बताओ कौन सी कराएं. यूट्यूब पे मैं चाहता तो हूं आप लोगों के साथ 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाना. तो मैंने कहा था कि आप अपना टॉपिक बता दें, जैसे किसी बच्चे ने ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक बताए तो वो पढ़ाऊंगा. बार्ड ऑफ एवन सर्वश्रेष्ठ कवि आपके हिसाब से, बचपन में आपने इनकी कहानियां खूब पढ़ी है. कौन है साथियों? विलियम शेक्सपियर. चल, विलियम शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन बिकॉज ही कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट पोएट इन एवर लाइफ. सिंस दैट टाइम ही द वर्ड वार मीन्स पोएट बेटर अ ट्रेवलिंग पोएट. मेडिवल टाइम्स मोस्ट ऑफ द पोएट वेर ट्रेवलिंग टेलिंग स्टोरीज एंड मेड इन लिविंग परफॉर्मिंग, है ना, चलते हुए. The purchase of shares and bonds in Indian companies by the institutional investors is called. मित्रों, भाई और बहनों, जब विदेशी कंपनियां शेयर और बॉन्ड खरीदती हैं तो इसको क्या कहा जाता है? FDI, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, NRI, फॉरेन इन्वेस्टमेंट. साथियों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब हम कहीं इनपुट डालते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट, निवेश. इनपुट डालना ताकि आउटपुट आए. तो इसको हम दो तरीके से बांट सकते हैं. एक होता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, घरेलू निवेश. जब इंडिया की कंपनी इंडिया में, जर्मनी कंपनी जर्मनी में, फ्रांस कंपनी फ्रांस में, तो इसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. फॉरेनर इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश. जब फ्रांस की कंपनी जर्मनी में, जर्मनी कंपनी कनाडा में, कनाडा की कंपनी इंडिया में, दैट इज नोन एज फॉरेनर. हाँ, ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं. देश में लॉकडाउन लगने वाला है क्या? देश में लॉकडाउन लगा ही है. इस बार मोदी जी ने राज्यों को दे दिया, और वैसे भी घर से बाहर नहीं निकलना है, लगे ना लगे. एक होता है FDI और एक होता है FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. तो जब कोई कंपनी भारत के शेयर मार्केट में पैसे लगाए तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. देखो, एक मतलब समझो. पोर्टफोलियो का मतलब होता है अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग. एजुकेशन में पोर्टफोलियो का मतलब होता है डेली डायरी. मैं एज ए टीचर आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करूं तो उसको हम कहेंगे क्या? पोर्टफोलियो. अब कैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट? आप कितना टाइम पढ़ते हैं, कितना आपका आउटपुट आ रहा है, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द पोर्टफोलियो. पॉलिटिकल साइंस में पोर्टफोलियो का मतलब होता है डेजिग्नेशन, पोस्ट, पद. आप जब ऑफिसर बनेंगे तो आपके पास एक पोर्टफोलियो होगा, उसी पोर्टफोलियो के तहत आप सारा का सारा काम करेंगे, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो. जब आप सिनेमा के सेक्टर में पोर्टफोलियो बनाएंगे, सिनेमा के सेक्टर में पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे, तो इसका मतलब होगा साथियों
आपके फोटोग्राफ्स आप किस एंगल से कैसा दिखते हैं? आप कई मूवीज में देखते होंगे, हीरो हीरोइन बनने के लिए जाते हैं तो बोलता है पोर्टफोलियो लाए हो, तो देखो ये निकम्मे महेश गुप्ता कितनी बड़ी जीके का फैक्ट बता रहे हैं कि सर नेहा कक्कर प्रेग्नेंट हो गई है। अरे निकम्मे, नेहा कक्कर प्रेग्नेंट हुई ये कोई न्यूज है? ये उल्टा होता, उनके पति प्रेग्नेंट हो जाते तो ये न्यूज होता, ये तो नॉर्मल है प्रकृति का, पढ़ लो निकम्मो। नहीं तो फिर अभी तो तुम नेहा कक्कर का कह रहे हो, कुछ दिन बाद अपनी गर्लफ्रेंड का बताओगे सर वो मम्मी बनने वाली है और मैं यहाँ SSC की तैयारी कर रहा हूँ। सुधर जा निकम्मे। तो पोर्टफोलियो फोटोग्राफ्स, इकोनॉमिक्स में पोर्टफोलियो का मतलब होता है साथियों, तेरे जैसे निकम्मे टीवी में बैठ करके इसे नेशनल न्यूज बना के बैठे हुए, पोर्टफोलियो का मतलब होगा पेपर, कागज। तो जब कोई कंपनी विदेशी, जब कोई विदेशी कंपनी भारत के शेयर मार्केट में पैसे लगाए या किसी मार्केट में, तो उसको कहेंगे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये डिफिनेशन 2013 तक था पोर्टफोलियो वाला, शेयर मार्केट में पैसे लगाने। अब 2013 के बाद डिफिनेशन बदल गया है, ये कहा गया कि यदि कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय कंपनी में 10% तक का शेयर खरीदेगी तो उसको कहा जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जैसे आपने सुना होगा फेसबुक ने रिलायंस का 9.9% शेयर खरीदा, तो आपके मन में नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ, 10% क्यों नहीं खरीद लिया या 11% क्यों नहीं खरीद लिया? तो वो है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और जब 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो वो होगा FDI। जैसे वोडाफोन एग्जाम्पल है FDI का, लेकिन फेसबुक का गूगल में ये इस पर क्या नाम है, रिलायंस में इन्वेस्टमेंट FPI। तो मुझे यकीन है कि आप समझ पाए होंगे। चले क्लियर है यहां तक? FPI क्या, FDI क्या, रिलायंस में ने कितना शेयर, रिलायंस में क्यों फेसबुक ने 10% तक का किया, एजुकेशन में क्या मीनिंग होगा, पॉलिटिकल साइंस में क्या मीनिंग होगा, सिनेमा के फील्ड में क्या होगा और इकोनॉमिक्स के फील्ड में क्या होगा। अब मुझे पूरा यकीन है कि यहां तक आप समझ पाए होंगे। चल तो ये हमने कहा था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, पोर्टफोलियो निवेश। चल अब पूछ रहे FII क्या है, चलो वो भी सीख लो। FPI को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, एक होता है FPI, FII और एक होता है साथियों QFI। जब मित्रों कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति किसी भारतीय कंपनी का शेयर या बॉन्ड खरीदे तो उसको हम कहेंगे QFI। जैसे जैसे साथियों बराक ओबामा रिलायंस का शेयर खरीद लें तो क्या कहलाए, QFI। कोई और नाम ले लो विदेशी, और जब किसी देश की कंपनी यहां का कोई हिस्सा खरीद ले तो उसको कहेंगे FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने कहा फेसबुक एक कंपनी है, उन्होंने रिलायंस का खरीदा तो FII। लेकिन मार्क जुकरबर्ग एक व्यक्ति के रूप में यहां खरीद ले तो क्या होगा, QFI, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो जिन्होंने पूछा था FII क्या है, क्लियर हो गया होगा QFI क्या है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, QFI क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो हम कह सकते हैं FPI दो हिस्सों में बांटा जाता है, एक FII और एक QFI। चल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा
ठोस अवशिष्ट का उदाहरण नहीं है। ट्रम्प भी एग्जाम्पल हो सकता है। चलो मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट। अब थोड़ा सा ही तो आसान है, फूड वेस्ट नहीं है, इसके अलावा सारे के सारे सॉलिड वेस्ट है। विच ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग मॉस्क्यू इज लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ सी। कौन सी खूबसूरत और भव्य मस्जिद समुद्र के बीच में है? हम आपको क्लू दे देते हैं, मुंबई में है। पर्सन इन्वेस्टमेंट कोरला, कोरला बंगाली वर्ड है क्या भाई? बताइए। हाजी अली दरगाह। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ट स्टडीड टू मेजरिंग द टेम्परेचर इनसाइड द मेटलॉजिकल फर्नेसेस। धातुकर्म की भट्टियों को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? तो ये हम शायद कभी पढ़ाए हैं ऐसा मुझे लग रहा है, या नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं। हाई टेम्परेचर मेजर करना, बहुत अधिक टेम्परेचर हो उसको मेजर करने के लिए हम किस थर्मोमीटर का यूज करेंगे? पायरोमीटर, थर्मिस्टर, थर्मोकपल और थर्मोमीटर। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का यूज करते हैं। गुरुकुल की फीस कितनी है? उतनी ही जितने तुम महीने में खर्च करते हो बाहर रह करके, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी सब काम कर पाते हो। गुरुकुल में सिर्फ पढ़ाई होता है, बाकी काम नहीं हो पाता है। ले भी गुरुकुल ऑफ है ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर। मित्रों, उस्ताद अल्लाह रखा खान, ए के रहमान, अल्लाह उनका भी कुछ ऐसा ही नाम है, इज फेमस एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अल्लाह रखा खान क्या बजाते है? शहनाई, तबला, सितार और हारमोनियम। तो मित्रों, तबला बजाने का काम करते हैं। ये सब चीज मैंने स्टैटिक जीके में पर्सन टू पर्सन ऐड कर दिया है। WPI को पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन का रिपोर्ट दो तरीके से आता है, एक CPI और एक WPI। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब रिटेल में एकत्र करके डाटा दे तो CPI, जब होलसेल में एकत्र किया जाए तो WPI। भारत अभी रिटेल वाले का यूज कर रहा है। WPI का बेस ईयर क्या है? 2011-12 है। CPI का बेस ईयर क्या है? 2012। तो पहली बार कब आया है इसका डाटा? दैट इज 1902 में। चल, व्हाट डू वी कॉल द नॉन ग्रीन हेट्रोलॉजिकल प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम? यस, बताओ कौन सा हेट्रोलॉजिकल है प्लांट किंगडम का? अब इससे आसान तो क्वेश्चन क्या ही लोगे? सर ये क्वेश्चन PYQ है या अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं? बताइए। तो कौन से साथियों? मित्रों नाम से नफरत हो गया है, ये बाला सब मत बोला करो प्लीज। तुमको ये क्यों लग रहा है कि मित्रों उन्होंने ही बोला होगा? क्या तुम 2012-13 में मेरे से पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना? जीके याद नहीं होती कुछ भी, इस पर कुछ बोले ये बहुत अच्छी बात है। जीके याद नहीं होती, घबराने की बात ही नहीं। फंगी, विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज, कोई ऐसा है जिसको जीके याद होती है? पूछो तो इनमें से। जब अपने माइंड पे मैसेज करते चले जाओगे कि ये चीज नहीं होता, ये चीज नहीं होता है, तो नहीं होगा। प्रिया कुमारी, ऐसे मत करो, लोग तुमको ओरिजिनल प्रिया के बजाय नकली प्रिया सुनने लगेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज कम्स अंडर द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा 8वीं अनुसूची में है? भोजपुरी, मिजो, राजस्थानी, डोगरी, हमने पढ़ा रखा है। तो किसको साथियों? डोगरी को। बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी,
92nd अमेंडमेंट से 2003 में जोड़ा गया था. विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ इंडिया यूज मजहरनामा ओके टू टेक द रिलीजियस मैटर इनटू इज ऑन हैंड. मजहरनामा किसने इशू किया था? मेडिटेशन करो सब ठीक हो जाएगा. यस, मेडिटेशन करने से जीएस याद होने लगेगा. मैंने यही कहा था कि आप जब जब अपनी कमजोरी किसी को बताएंगे, जैसे मैंने कहा था गुरुकुल, जब भी कोई बच्चा आता तो मैं पहला शर्त रखता हूं कि आप अपनी प्रॉब्लम सबसे शेयर नहीं करेंगे. जैसे मेरा हेल्थ खराब है, जैसे मतलब ऐसा लगता है लोगों को, है तो खराब नहीं लेकिन देख ऐसा ही लगता है कि मतलब खराब है, तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या करना चाहिए, तो तुम में से कोई कहेगा सर काजू खाओ, दूध पियो और खूब एक्सरसाइज करो. दूसरे से पूछूंगा तो कहेगा सर ये सब तो ठीक है लेकिन पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है. तीसरे से मैं पूछा यार तुम कुछ बताओ, सर केले भी खाओ और साथ में बादाम भी खाया करो. चौथे से पूछा, उन्होंने कहा कि बादाम और केले तो सर चलेगा लेकिन प्रोटीन भी लिया करो. ध्यान से समझो, पता किसी को नहीं है लेकिन मैं मौका दे रहा हूं उनको बताने के लिए, इसलिए वो अपने हिसाब से सजेशन दे रहा हूं और मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं. आपकी लाइफ की पहली शर्त है कि आप पहले डेडिकेटेड हो जाएं कि आपको पढ़ना क्या है, बुक कौन सी फॉलो करनी है. और ये मैं हर बार वीडियो में बोल चुका हूं, ये सब नकली बातें हैं. आप लोग बस ऐसे ही अपने आप को तात्कालिक, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस देखता हूं कि हम सबको अच्छा चीज नहीं चाहिए, आसान चीज चाहिए लाइफ में. और यही कारण है कि मेरे देश की दुर्गति का, हमने अच्छी सरकार नहीं चुनी, हमने अच्छे सिस्टम नहीं चुने, हमने आसान सिस्टम चुने. हम गए और मेरा पासपोर्ट बनाना है तो भैया 2000 ले लो जल्दी बना दो, क्योंकि वो आसान है. तो खैर इन सब पे बात करना ठीक नहीं है. साथियों, किसने मजहरनामा इशू किया था? अकबर ने. अकबर की जीवनी किसने? अबुल फजल ने लिखी है. विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस एशियाज फर्स्ट ईपीजेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? देखो, बनाना और जलेबी खाइए कीजिए, पक्का रिजल्ट मिलेगा. हाँ निकम्मे, ऐसे किसी ने कहा था कि बियर पीजिए पक्का रिजल्ट मिलेगा. और हम तो पिए नहीं, पीने कोई और लगा कि हम भी मोटे हो जाएंगे, तो आजकल वो बियर ही पीते हैं. मित्रों, फर्स्ट ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भारत की गुजरात कांडला में शुरू किया गया था, और सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसी का डेवलप्ड वर्जन था, चाइना ने शुरू किया था. दुनिया में सबसे पहला सेज चाइना और सबसे पहला ईपीजेड एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन गुजरात कांडला. कांडला हमारा कैसा पोर्ट है? टाइडल पोर्ट है, ज्वारी बंदरगाह है. 499 कोर्स का डिटेल, 499 कोर्स का डिटेल बहुत अच्छा है. यही मजा है यूट्यूब क्लास में. विच इंडियन सिटी फेमस फॉर लैगून्स इज नोन एज द वेनिस ऑफ ईस्ट? ये कहा था लॉर्ड कर्जन ने, वेनिस ऑफ ईस्ट किस सिटी को कहा था? टाउन इज द कैनाल्स, बैक वाटर्स, बीचेस एंड लैगून्स डिस्क्राइब्ड बाय द लॉर्ड कर्जन एज द वेनिस ऑफ ईस्ट. हियर इट इज नोन एज द वेनिसाइसन कैपिटल ऑफ. कैपिटल ऑफ केरला. मैं सॉरी, कैपिटल ऑफ केरला नहीं, प्लेस ऑफ केरला. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग अष्ट महास्थान? महात्मा बुद्ध के जीवन में आठ महास्थान है जो उनके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है. तो प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है. जैसे उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में, उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, उन्होंने पहला उपदेश दिया सारनाथ में, उनकी डेथ हुई कुशीनगर में, उन्होंने अपने जीवन का सबसे अधिक समय व्यतीत किया श्रावस्ती में, राजगिरी में, वैशाली में. बताइए कौन सा नहीं है. सर मेरी इंग्लिश और मैथ दोनों ही वीक है, क्या मैं गुरुकुल ज्वाइन कर सकता हूं? ये डिपेंड करेगा टेस्ट लेने के बाद कि आप गुरुकुल ज्वाइन करने के योग्य हैं नहीं है. देखो, बज्रायन क्या था?
बौद्ध धर्म का एक पार्ट हीनयान और बज्रयान, हीनयान महायान और बज्रयान। बज्रयान जादू टोने वाला, जैसे हमने कहा था कि भूटान का जो बौद्ध परंपरा वो कैसा है, बौद्ध परंपरा है बज्रयान वाला है। तो हालांकि है तो यहाँ दोनों, बज्रयान भी होना चाहिए और तक्षशिला भी होना चाहिए, तक्षशिला से भी उनका कोई संबंध रहा नहीं, लेकिन ये जगह नहीं है तो इसलिए हम बज्रयान को लेकर चलेंगे। बाकी दोनों ही सही है, तक्षशिला भी और बज्रयान भी, मतलब ये गलत क्वेश्चन कह सकते हैं हम। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वेयर ऑल द पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक साइट्स आर फाउंड, एकमात्र स्थल जहां से पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल तीनों के साक्ष्य मिले। चले, टेस्ट कब होगा? जब बैच अनाउंस होगा तब होगा। भीमबेद का बोलन वैली, आदमगढ़, मिर्जापुर। हम आपको क्लू देते हैं, ये मेरठ में है, आप तो कर लो। आदमगढ़, सॉरी बोलन वैली। अच्छा, 10:30 वाली क्लास नहीं है, कल मिलेंगे 10:30 में। एनी मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ फाइनली कम्स टू रेस्ट ड्यू टू द फॉलोइंग एमंग, कोई गतिमान वस्तु कुछ समय के बाद स्थिर हो जाती है, क्यों? गुरुकुल की फीस बता दीजिए, गुरुकुल की फीस 1 साल की 1 लाख रुपए है। चलते चलते कोई वस्तु रुक जाती है, क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के कारण। चल, द बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, बायकॉट का जिक्र, ये निकम्मा कौन अफवाह फैला रहा है कि 11,000 रुपए है। बायकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, याद करो कांग्रेस का सेशन हुआ 1905 का, बायकॉट, स्वदेशी, बहिष्कार सब लेकर के आए। बाद में 1906 वाले में आकर के इसको मजबूती से हमने स्वराज के साथ भी जोड़ दिया। तो कौन से साथियों? स्वदेशी मूवमेंट, चल बंगाल विभाजन के टाइम। द सिस्टम ऑफ डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, द्वैत शासन प्रणाली, लेकिन ध्यान रखना ये स्टेट में शुरू हुई थी, बाद में स्टेट से खत्म करके सेंटर में शुरू कर दी गई थी। तो कब? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। Where is the only sanctuary of Asiatic lion in the world? Yes. अभी तो 95 में बात नहीं, 11,000 हो जाएगी। हाँ, तुमने रिजल्ट दे दोगे तो हो जाएगी। तुमने कब में पवन के नाम से और आईडी बना के बैठे हुए हो? तो शेरों का राज्य, आइए हमारे राज्य, एक शेर गुजरात से निकल करके पूरे देश को गुजरात मॉडल पे डेवलप कर दिए। विच अमंग द फॉलोइंग मेटल इज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एज वेल एज हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, गुरुकुल कहां पे है, कौन से शहर में है? गुरुकुल वही है जहां कोई आता जाता नहीं है, शहर से दूर बिराने में, जहां से सिर्फ रिजल्ट आया करते हैं, सिल्वर। चल, ठीक है, मुझे पता है नहीं कब में तो पवन है नहीं है। साथियों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, लखनऊ पैक्ट 1916 में तिलक के प्रयासों से हुआ था, तो किसके किसके बीच साइन हुआ था लखनऊ पैक्ट?
बताइए। तो 1916 के मुस्लिम लीग है ना, हालांकि लखनऊ पैक्ट, लखनऊ सेशन में एक काम और भी हुआ था, कांग्रेस के जो डिवीजन था सूरत सेशन में वो समाप्त हो गया था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आने के बाद पहली बार इसमें शामिल भी हुए थे। गांधी सागर डैम किस रिवर पर है? आज पूरा चलेगा 50 क्वेश्चन, डेली हम बीच में छोड़ देते थे। बताइए गांधी सागर डैम कहां पर साथियों? चंबल रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम टू बी विजिटेड एज ए स्पेस क्राफ्ट? अंतरिक्ष यान सबसे पहले किस ग्रह पे गया है? अब इसे आसान क्वेश्चन क्या लीजिएगा, 1962 में, बट सक्सेस हुआ था 1970 में। मैरिनर के नाम से गया था, और जो सक्सेस हुआ था वेरना के नाम से था। तो क्या है साथियों इसका आंसर? वीनस, शुक्र। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस बना था 28 दिसंबर 1885 को, और उस समय गवर्नर जनरल है 1884 से 1888 तक डफरिन, वो इनको बुला के चाय भी पिलाता है। चाय पिलाता है तो कांग्रेस के लोग थोड़े बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं कि आपको ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, तो फिर हड़काता है कि देखो यू आर ग्रुप ऑफ माइक्रोस्कोपिक पर्सन्स एंड यू हैव नो राइट टू रिप्रेजेंट होल इंडिया। आप कुछ सूक्ष्म लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आपको सभी को व्यक्त करने की कोई जरूरत, कोई अधिकार नहीं है। चले डफरिन। द गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर एबिलिटी ऑफ द विच एमंग द फॉलोइंग टू ऑल कंज्यूमर्स रिगार्डेड लेस टू देयर एबिलिटी टू पे प्राइस। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए जरूरत के लिए उन चीजों को उपलब्ध कराया जाए सही रेट पर। कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 4-5 क्वेश्चन और हैं शायद। सरकार कौन सी चीज सबको उपलब्ध कराए ताकि सबकी जरूरतें पूरी हो? तो ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? मेरिट गुड्स, आवश्यक वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं। चलो ये लास्ट ही था। तो साथियों आज हमने लगभग पहली बार इस सेशन में पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर पाए हैं। कल हम आपके साथ एक सेशन लेके आएंगे, गुरुकुल में कौन कौन से सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, गुरुकुल में सिलेक्शन की तैयारी कराई जाती है, गुरुकुल वाज अ विजन, गुरुकुल वाज माय ड्रीम प्रोजेक्ट। जब मैं अध्यापक था, मैं अपने जीवन के सबसे बेहतरीन फेज से गुजर रहा था 2010 से 2015 और 16 के टाइम में, तो मैंने देखा कि मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उन बच्चों के घर से आता है जिनका मेरे होने या ना होने से कोई फायदा नहीं होता है। मतलब मैं 3,000 बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे पास हुए 2 या 3, पूरे महीने में 1 लाख बच्चों को पढ़ाया, बच्चे पास हुए एक साल में 10 या 12 या 20 या 100, तो फिर मुझे लगा कि यार कोई फायदा नहीं। फिर ऐसे कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने आ करके अपना ये विजन स्टार्ट किया था कि आइए हमारे साथ बिना मोबाइल, हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सुबह से 6 बजे से लेकर के रात को 12 बजे तक का शेड्यूल होगा। जो खुद से पढ़ते हैं तो कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो डाउट आ जाता है, कभी ये बुक पढ़ लें कभी वो बुक पढ़ लें, कभी ये असाइनमेंट करें कभी वो असाइनमेंट, तो हमने कंपाइल कर लिए जितने मार्केट की बुकें थी उनको एक जगह पे। अब तो हमने खुद अपनी बुक बना ली तो सारी कंपाइल करके बेहतर, तो अब अपने बच्चों को वही फॉलो कराते हैं। साथियों दोस्तों शादी भी करवाई जाती है, नौकरी लग जाएगी तो शादी तो अपने आप हो जाएगी। हम आपको इस लायक बना देते हैं कि गांव के लोग आपसे पूछें, रिश्तेदार पूछें कि कैसी लड़की चाहिए, कैसा लड़का चाहिए। आप भी हमें कॉल करते हैं कि सर अब देख लो आपके पसंद से कोई लड़की या लड़का बता दो, तब हम कहते हैं नहीं, अब आपकी जिम्मेदारी शुरू, हमारी जिम्मेदारी खत्म।
तो गुरुकुल सिलेक्शन के लिए है, ना कि सिलेबस पूरा कराने के लिए। ये नहीं चलता है कि आइए सिलेबस पूरा कराए, ये हम जादूगर हैं। टीचर जादूगर से पढ़ाई होती नहीं है, पढ़ाई होती है डिसिप्लिन से, पढ़ाई होती है कंटिन्यूटी से, पढ़ाई होती है डेडिकेशन से। नहीं तो दिक्कत क्या था, सारे तो टीचर दुनिया के बेहतरीन यूट्यूब पर पेड कोर्सेज में। मैं तो यही सोच के दंग हूँ कि कुछ कुछ जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें 8-8 घंटे की क्लास चल रही है, 6-6 घंटे 7-7 घंटे की क्लास चल रही है। अरे निकम्मो, मतलब 6 घंटे की कोई क्लास करेगा ऑनलाइन 8 घंटे की, तो पढ़ेगा कब? तुमने पहला सर छीना बच्चों से कि मोबाइल नहीं रहेगा तुम्हारे पास। कितना सुकून भरा लाइफ होता है। बीच में मैं अपना नंबर रिसेप्शन वालों को मतलब एड पे दे दिया था। दिन भर मैं मेंटली डिस्टर्ब रहता था। अभी लगभग 20-25 दिन पहले मैंने हटा दिया वो नंबर, 1 महीने पहले। मैं इतना सुकून में हूँ। अभी ये सोशल मीडिया देखा करता था मैं पिछले 4-5 दिन 10 दिन, जिधर देखो उधर ही कोरोना, उधर ही वायरस, उधर ही शमशान, उधर ही हॉस्पिटल। परसों मैंने अपने मोबाइल से फेसबुक ऐप डिलीट कर दिया। अब मैं बड़ी सुकून में हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है देश में। अब सिर्फ व्हाट्सएप है और थोड़ा यूट्यूब, यूट्यूब पे साउथ की एक मूवी देखना है, आप जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कंटेंट इकट्ठे करने हैं, तो इसके लिए गर्ल्स को भी अलाउ करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। 12 वर्ष की भी क्लास होगी तो पढ़ते रहिए, वो तो अपना फॉर्मेलिटी कर, अपना सिलेबस पूरा करा रहे हैं। अरे मतलब ये तुमको पास कराने के लिए थोड़ी ना पढ़ाया, तो तुमको फेल कराने का तरीका है कि आओ तुमको फेल करा दें। किसी को घर पे बात करनी हुई तो उसके लिए 4-4 लैंडलाइन लगे हुए भाई, हमारे इमरजेंसी के नंबर गए हुए हैं घर पे। अरे किसी को नहीं बात करनी होती, शुरू शुरू में लगता है कि मुझे बात करनी है, ये करना वो करना। हाँ कोई बाबू सोना हो तो अलग बात है, अदरवाइज किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको नौकरी चाहिए या मजे चाहिए? मैंने बार बार आपसे कहा है कि अच्छा और आसान और मुश्किल दोनों रास्ते, और अच्छा और कंफर्ट दोनों रास्ते आपके साथ लाइफ में उपलब्ध हैं। मैं देखता हूँ कई बार आप जोश में आते हैं मेरे वहाँ, 1-2 महीने रहते हैं, भाग जाते हैं। मैं आपसे पूछता भी हूँ कि कोई दिक्कत क्या? नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई परेशानी नहीं, नहीं। तो हम ये चीज़ महसूस कर पाए कि यार सब कोई सफलता चाहते हैं जीवन में, लेकिन उतना संघर्ष, उतना डेडिकेशन, उतनी कंटिन्यूटी कितने लोग बना कर रख पाएंगे, ये डिपेंड होगा। गर्ल्स को भी करेंगे, इस बार करेंगे। तो मित्रों आप सब बेहतर पढ़ाई करें, कल एक सेशन लेकर के आएंगे कोरोना के टाइम में पढ़ाई कैसे किया जाए, इस बात पर बात करने के लिए और भी यूं ही बात करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर सेशन को ख़त्म करेंगे, कल मिलते हैं फिर आपके साथ 9 से 10, 10:30 बजे। आपका MCQ का सीरीज चलता रहेगा। अब उसमें एक तरीका और हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लाया जाए। ठीक है जी, जो भी हो तुमको भी आई लव यू टू। फोर 99th का बारे में भी बता दीजिए। 499 का प्लान क्या है कि आप जो घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो आप क्या पढ़ें कैसे पढ़ें वही है। सुबह हम आपको एक टेस्ट भेज देते हैं, पूरे दिन में एक टेस्ट करना होता है। मैथ का 3 सेट का असाइनमेंट भेज देते हैं, वो करना होता है। इंग्लिश का असाइनमेंट भेज देते हैं, वो करना होता है। स्टैटिक GK का भेज देते हैं, करेंट का भेज देते हैं। और कोई डाउट उठ आता है तो एक डाउट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, वहाँ से हमारे डाउट टीचर ही करवा लेते हैं। इस बार गर्ल्स को भी कर देंगे, सैलरी बढ़ा दो। सैलरी टाइम पे मिलना यही बड़ी बात है, लॉकडाउन सैलरी बढ़ा दो निकम हो। चले फिर अभी के लिए इतना ही। खूब अपना ख्याल रखिए, माँ बाप का सेवा करते रहिए और अपने घर वालों से जितनी बातें मोहब्बत आज की हो सकती हैं कीजिए। बहुत मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं, तो अपने कोई अफसोस ना रह जाए जीवन में कि ये चीज़ नहीं कर पाए या ये नहीं कह पाए। तो अपने आप को अपने इजहार कीजिए अपने गार्जियंस के साथ, अपने
दुख को, अपनी उम्मीदों को, आप उनके साथ क्या जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। भगवान का नाम लीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि जल्दी ये दुख परेशानी हमारे देश से दूर हो जाए। और घरों में काढ़ा यूज करिए, गुलाबी का रस जूस पीजिए, मतलब मेंटेन रखिए। और 15 मई तक, अगले 15 दिन तक घर के अंदर बंद रहिए। हम टीचर्स जो ऑनलाइन में हैं उनसे पढ़िए, कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।